हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर में चल रहे थार महोत्सव एवं राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को 5/21 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में महिला पुरुष व युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महावीर सर्कल से शुरू हुई इस दौड़ में जिले के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धावक, खिलाड़ी, पुलिस के जवान, NCC स्काउट, NSS नर्सिंग ट्रेनी, NGO, गणमान्य नागरिक व जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में दीपा राम, महिला वर्ग में लीला परमार ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार से भी नवाजा गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए लीला परमार, प्रथम महिला वर्ग, इन्होंने ये कहा। लीला आज पहले नंबर पे आई हो 5 किलोमीटर की रेस में, तो डेली जो रूटीन है आपका, रोज कितनी प्रैक्टिस कर रही हो, कितने घंटे मेहनत? दो तीन महीना से प्रैक्टिस कर रही थार एकेडमी बनियाना से। तो लक्ष्य क्या है, क्या बनना है, किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? दौड़ की प्रैक्टिस करनी है। मतलब दौड़ के ही प्रैक्टिस कर रही है या सेना भर्ती में किसी में जाना है, ऐसा कुछ है? सेना भर्ती में जाना। किसकी तैयारी कर रही है? सेना भर्ती में बिना फौज। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए दीपा राम, प्रथम वर्ग पुरुष, इन्होंने ये कहा। रूटीन सर, वर्कआउट तो अलग अलग होते हैं, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर। ILT में हूँ मैं 2 किलोमीटर वहाँ, पिछले दो साल से हार्ड वर्कआउट में हूँ और 7 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। आप एशिया के लिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं? दिन रात मेहनत करना पड़ता है। तो क्वालिफाई हो जाते हैं और मेडल मिल जाता है, तो बाड़मेर के पहले ऐसे शख्स होंगे जो मेडल प्राप्त करने वाले, उस चीज़ को लेकर कितना मन में जज्बा है कि हाँ मेहनत करनी है क्योंकि मेडल लेना है? बहुत है सर जज्बा, अगर पैर फ्रैक्चर नहीं हुए, हड्डी नहीं टूटी, मैं क्वालिफाई कर दूँगा, इतना फिट हूँ मैं, खुद पर विश्वास है मुझे। हम उम्मीद करें कि मेडल आपके नाम होगा पहला। हाँ बिल्कुल सर, भगवान की कृपा रही। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।